रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी जो कि क्रिस्पी फिंगर फिश फ्राई की है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ तो इसके लिए मैंने ये फिश ली है देखें ये विदाउट स्किन है और इस तरह की हमें फिश चाहिए अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमें फिंगर की शेप में कैसे काटना है पाउडर लिया है ये गार्लिक पाउडर है मेरे पास और ये और है ये मेरे पास फ्लावर है क्योंकि हम इसमें यूज करेंगे ये फोर से फाइव टेबल स्पून है मेरे पास इसके लिए स्पाइस में मैंने लिया है ये मेरे पास हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है ये मेरे पास हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर है और ये मेरे पास हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लैक्स है ये हाफ टी स्पून मेरे पास टर्मेरिक पाउडर है ये मेरे पास वेनेगर है हाफ टी स्पून वन टी स्पून मेरे पास सोया सॉस है और ये हाफ टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है वन एंड हाफ हाफ़ टी स्पून मेरे पास लेमन जूस है और ये मेरे पास ब्रेड क्राम्स हैं ये देखें ये मेरे पास बारीक वाले हैं तो ये बारिक वाले हैं हमें इसमें लूज करने हैं और ये मेरे पास ऑयल है चले हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने कटिंग बोर्ड लिया है और उसके ऊपर हम फिश रखेंगे और फिश को हम इस तरह से करके इसमें से दो कर लेंगे अब ये फिश है हमारे पास तो हम इसको इस तरह से करके देखें मेरे पास फिंगर की सूरत में ये आ गई है फिंगर की शेप में कट गई है मेरे पास तो इसी तरह से हमें सारी फिशें काट लेनी है हम फिश को मैरिनेट करने के लिए जो मसाला तैयार करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं तो हमने ये हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया है ये रेड चिली फ्लैक्स है मेरे पास हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून ही हमारे पास हल्दी है ये हमारे पास वाइट पेपर है वेनेगर है हमारे पास सॉल्ट का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक करें <coughs> मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ इसमें मैंने सोया सॉस यूज किया है मेरे पास लेमन जूस है हाफ टी स्पून मैं इसमें जिंजर पाउडर डालूंगी टी ही मैं इसमें गार्लिक का पाउडर यूज करूंगी अच्छी तरह से हम देखिए हमने सारे मसाले मिक्स कर लिए अब जो हमने फिश को फिंगर के शेप में काटा था वो हम इसमें फिश इस देंगे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है सारी फिश इसी में ऐड कर देंगे हम इसको बहुत हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे ये फिश बहुत हल्की और नाजुक होती है इसलिए हमें इनको बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना पड़ता है कम से कम तीस मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे फिर तीस मिनट बाद हम इसको फ्राई करेंगे तीस मिनट हो गए हमारे फिंगर फिश नगेट्स जो हमने इसको मैरीनेट करके रखा था तो अब हम इसको फ्राई करेंगे इसके साथ ये जो हमने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं इसमें हम हाफ टी स्पून के करीब इसमें ओरिगाना डालेंगे उसको मिक्स कर लेंगे ऐसे मिक्स कर लेंगे इसमें और कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो फिश को मैरिनेट किया था उसमें हमने अच्छा स्पाइसी मसाला लगाया था तो हम सबसे पहले ये फिश लेंगे और फिश को हम सबसे पहले मैदे में डिप करेंगे ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मैदे में डिप कर दिया अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह से और इसके साथ ही हम अपने बेड क्रॉस में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे हम इसको कुछ करके करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से बेड क्रॉस लग जाए देखिए इस तरह से हमें बना लेना है इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे ये देखें में डिप करना है मैदे में फिर अंडे में अंडे के बाद वेट क्रम्स में हमें सही से इसको डिप कर देना है ये देखें ये हमने सारे बना लिए चले हम इसको फ्राई करते हैं अब हम एक डीप पैन लेंगे और उसके अंदर हम डीप फ्राई के लिए ऑयल डालेंगे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अब हम इसके अंदर डाल देंगे जिस, जितनी इसमें आए उतनी ही हमें डालनी है इसमें देखें इसको हम यू करके पलट लेंगे इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से होने देंगे देखें हमारे सारे फिश लेंगे रेडी हो चुके हैं देखें इतने अच्छे हमारे बने हैं इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे फाइनली हमारे फिश श्राइड नगेट रेडी हो चुके हैं मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ ये देखें और अंदर से भी अच्छे और मज़ेदार हैं ये देखें ये आप बच्चों को बना कर दें ये बच्चे बड़ों दोनों के पसंदीदा होते हैं नगेट्स आप लंच बॉक्स में ही बना के डाल के दे सकती हैं उनको तो ये जैसे बच्चे हमारे स्पाइसी नहीं खाते तो इस तरह के नगेट्स वो बड़े शौक़ से खाएंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेलैकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से मज़ेदार और अच्छी सी रेसिपियाँ ले आती रहूँ अब मिलती हूँ अगली वीडियो में